क्योंकि मैम आजकल काफी बात हो रही है, राखी सावंत की शादी हो चुकी है उनकी एनआरआई के साथ, कुछ आप तो खास फ्रेंड है उनके, क्लोज फ्रेंड है, थोड़ा कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप इस जगह बहुत गलत है कि वो मेरे खास फ्रेंड है, वो मेरे खास फ्रेंड नहीं है और ना हम इस वक्त दोस्त हैं, हमारी बातचीत ही नहीं होती है तो दोस्ती का तो सवाल ही नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग ना ऐसे मेरे ऊपर ना ऐसे स्टैंप मत मारा करो हमेशा, आपकी दोस्त है ये, आपकी दोस्त है घंटा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है मेरा, जो मेरे मेरा सिर्फ मेरे माँ बाप दोस्त है, ऊपर वाला दोस्त है, कोई नहीं, सब दुश्मन है मेरे। और मीडिया तो मेरी जान है, तो हाँ तो चारों लोग शादी करते ना क्या, देखो उन्होंने हमेशा से कहा था कि मेरी शादी जो होगी तो मेरी जो वेडिंग नाइट होगी वो सब देखेंगे, पूरी आवाम देखेगी, तो अब इस बात का ख्याल तुम लोगों को ज़्यादा रखना चाहिए, मीडिया लेकर तो तुम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, हमें तो शादी में नहीं बुलाया भैया, इसलिए आप गुस्सा है मतलब, इसलिए आपने ब्रेकअप कर दिया। कुछ भी, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो नहीं चाहती होंगी दुल्हन बन के मेरा चेहरा देखना क्योंकि मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। माशाल्लाह आजकल आप बहुत ही फिट दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा राज बता दीजिए। आपको क्या जलन हो रही है? आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप क्यों नजर लगा रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आवाम को बताइए आपके फिटनेस का राज। मैं अपनी फिटनेस का राज अपनी आवाम को अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं बिकिनी पहनूंगी तब बताऊंगी कौन क्या। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छी इंडिपेंडेंस डे पर अगर विश देना चाहे फैंस को? बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अभी तो बहुत टाइम है लेकिन जब आएगा 15 अगस्त तो जरूर हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उस वक्त हम अपने घर पे रहेंगे, बकरीद बकरा खा रहे होंगे, तो जरूर हम ऐसे हाथ में तंगड़ी लेके 15 अगस्त। थैंक यू। और कुछ पूछना है? और कुछ कॉन्ट्रोवर्सी? आग लगा दी मैडम, हम बने आग लगाने के लिए। आवाम खुश हो, आप लोग भी खुश हो, हम तो खुश ही रहते हैं। अर्षी जा मैम आ जाएंगे, अभी मैं वहाँ जा रही हूँ दादा, वहीं जा रहे तुम्हें दादा? गया गया दूसरा टीम, दूसरा टीम गया भाई। थैंक यू। आरसी के साथ व्यवहार सिंह कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं ये नहीं था कि रक्षाबंधन था ना, मुझे राखी नहीं बांधने की। मेरे सिर्फ 4 भाई हैं और दुनिया का कोई मर्द मेरा भाई नहीं है। ये लोग राखी राखी क्यों करते रहते हैं मेरे साथ? मेरी तलाक हो गई है राखी के साथ। चलो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। चलो दादर में मिलते हैं। ओके, जैसे कि शॉर्ट फिल्म आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई है, मतलब रक्षाबंधन पर है तो कुछ आपकी याद है, आप इसे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन? ये तो हमारे भारत देश का सबसे प्यारा त्यौहार है, सबसे भावनात्मक त्यौहार है, भावनाओं को समझने वाला त्यौहार है राखी रक्षाबंधन, क्योंकि ये बहन भाई का त्यौहार है और बहन भाई का रिश्ता जो है मुझे लगता है कि बड़ा प्यारा और बड़ा अपनापन वाला होता है। राखी की बात की जाए और राखी सावंत याद आ रही है, शादी हो चुकी है, क्या खबर है इंडस्ट्री? राखी की शादी हो गई? हां भाग रही है। राखी की शादी हो गई? जिसने शादी की उसकी माँ बहन को पता है? राखी सावंत मेरी इसकी दोस्त है, अगर उसकी शादी हुई होगी तो मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं है कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफाई सही, दोस्त है मेरी, सो ऑल द बेस्ट। वाकई बहुत भारत के लिए, भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए
एक दर्दनाक सैड न्यूज है कि सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही प्रखर नेता थी, बहुत ही बड़ी नेता थी, बहुत ही इंस्पायर किया था राजनीति को और समाज को भी। मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका काम हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। सुषमा जी, आपको हम भारतवासियों की तरफ से नमन श्रद्धांजलि। Concept good considering Raksha Bandhan is around the corner anyway. So Raksha Bandhan aa raha hai and if they are releasing it before that, then I'm sure the message will be put across to the audience as well. And it's good. I mean, awareness is important. Every information is good information. It's a great message and he's actually right. During the Raksha Bandhan, to put a message like this, it's really nice. Tomorrow, so I'm really happy. My family is in Delhi, my brother is in Delhi, so I'm super excited for that. Yeah, I've had a lot of messages come from all my friends, family members, and aur jitne bhi log dekhe ja rahe hain, they are loving the film, and I believe it's still in the theaters, you know, and it's doing very well on the box office even further. So it's good. We are very proud of it. Good job. हमें थोड़ा टाइम लगता ही है, हम कितने भी
एडवांस हो जाए, कितने भी एडुकेटेड हो जाएं, लेकिन जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो इंडिया में अभी भी उसे अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है लोगों को, बट बेटर लेट देन नेवर. सो वी आर गेटिंग देयर एंड आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक. द फिल्म इज वेरी प्योर, वेरी ब्यूटिफुल, और रेणुका शाने जी तो माइंड ब्लोइंग है ही, और उनसे इंस्पायर होकर मैं ड्रेसअप भी उन्हीं की तरह होके आई हूँ, क्योंकि मुझे जब बोला गया कि रेणुका जी की फिल्म है तो मैंने कहा आई हैव टू वेयर अ सारी, बिकॉज यू नो शी लुक्स गॉर्जियस इन सारी. एंड पलाश इज़ अ डियर फ्रेंड, ही हैज़ एक्टेड सो वेल, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी एक्टिंग करता है वो. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी व्हाट प्रोग्रेस यू नो ही हैज़ मेड, एंड इट्स ब्यूटिफुल, द फिल्म इज़ ब्यूटिफुल. नमस्कार, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत 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 शुभकामनाएं. भारत माता की जय. स्वतंत्रता दिवस. नो, लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट. नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद, भारत माता की जय. जिसमें जो आज की तारीख में जो जेंडर अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर जो बात कही जाती है, जनरली हमारी जो अपनी धारणा बन जाती है, और ख़ास करके परिजनों की भी, परिवार के लोगों की भी जो धारणा बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इस फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छे से डील किया गया है कि इमोशन का कहीं कोई जेंडर नहीं होता, और उनके बीच में जो बंधन होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत आनंद देने वाला. रक्षाबंधन के लिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपके भाई बहन के जो भी रिश्ते होते हैं वो रिश्ते आपके खून में, आपके डीएनए में शामिल होते हैं, और वो आप 365 दिन लगातार आप उस रिश्ते में बंधे हुए होते हैं. वो एक दिन ऐसा होता है जहाँ आपको जो प्रतीकात्मक रूप से उस दिन को आप स्मरण करते हैं कि वो एक रिश्ता, जैसे हमारा और आपका जब जन्मदिन होता है तो हम और आप एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारी ज़िंदगी का प्रत्येक दिन या प्रत्येक रिश्ता जी. मैंने अपने पहले ही उसमें जवाब दिया, आप सुन नहीं रहे थे, आप उधर देख रहे थे, इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा कि रिश्तों के कोई जेंडर प्रेफरेंसेस नहीं होते, रिश्ता जो होता है वो जेंडर से परे होता है, बियॉन्ड जेंडर होता है. तो हमको और आपको कहीं ना कहीं रिश्तों की या संबंधों की कदर करनी चाहिए, उनको हमको आपको जेंडर के ऊपर बेस करके नहीं देखना चाहिए. देखिए, फिल्म आप करते हैं, फिल्म रिलीज होती है तो आनंद होता है कि आपने जो अच्छा काम किया. तो चिकन करी लॉ 9 तारीख को रिलीज होने वाली है, तो प्रतीक्षा रहती हूँ कि जो मन लगा के काम हमने किया है वो अगर दर्शकों को पसंद आया तो हमें लगेगा कि हमें आनंद. अभी अगर आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी विषय से नहीं भटकेंगे, और जिस निमित्त इन लोगों ने बुलाया है वो डन. इसका इस फिल्म से कोई संबंध है? इस फिल्म से कोई संबंध है? इसका मैं जिसके लिए यहाँ पे आया हूँ वो प्लेटफॉर्म इसके लिए साइलेंट टाइज के, साइलेंट टाइज बहुत अपूर्णीय क्षति है और हम सबको दुख है इस बात से.
एग्जैक्टली लाइक ही सेड दैट पलाश की पहले भी हमने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी एंड डेफिनेटली जैसे वो काम करते हैं बहुत ही पैशनेट हैं सो ऑलवेज यू नो वी आर इंट्रीग्ड कि अभी क्या करेंगे एंड ये जो सब्जेक्ट है व्हाट वी हर्ड हमने देखी नहीं है फिल्म बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली टचिंग फिल्म सो मेरी फैमिली भी लाइक माई एल्डर ब्रदर ही इज इन दिल्ली एंड मेरा यंगर ब्रदर एंड माई पेरेंट्स दे आर कमिंग टू दिल्ली तो इस बार इट्स गोइंग टू बी एन एंटायरली यू नो फैमिली अफेयर गौतम का बर्थडे भी है इंडिपेंडेंस डे भी है ऑन द सेम डे and so it's going to be a fun on the same day on Rakhi acha Rakhi yeah not on your birthday but it's on 14th boss All I can say is that it's fiction. It should be treated like a work of fiction. We're all playing characters and we're all doing justice to our characters. And that's all we can do about it. So, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी फॉर ऑल दोज पीपल जिनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा आई थिंक दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यू नो एंटरिंग इन टू अ पर्सन पर्सनल स्पेस लाइक अगर मैं गौतम के साथ भी पिक्चर डालूँ तो भी दे हैव टू टॉक अबाउट देम ओनली Wishing you a very, very, very happy Independence Day. Jen. Jen. क्या कर रहा है
मैम इसको हटाओ, फोटो आप हो जाए, इसको हटा दो, विजन पिक्चर सगळ्या